आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट नोड्यूल के बारे में। अगर सीने में गांठ है तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसे बोलते हैं बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट यानी कि वो जो ख़तरनाक हैं, जिनका ऑपरेशन करना और तुरंत उन्हें हटाना ज़रूरी है, और बिनाइन यानी कि जो रिस्की नहीं है पर फिर भी उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही ब्रेस्ट में नोड्यूल होता है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ब्रेस्ट में कैंसर कई तरह के होते हैं और उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इसके अलावा डक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, इसके अलावा ब्रेस्ट सार्कोमा हो सकता है या लिम्फोमा हो सकता है। ये कई प्रकार के अलग अलग तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स हैं। एक्चुअल में ब्रेस्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ग्लैंड होता है, उसके चारों तरफ फैट होता है। तो फैट वाले कंपोनेंट में अगर कैंसर बनता है तो वो लिपोसार्कोमा हो सकता है। लिम्फैटिक्स होते हैं बहुत सारे, लिम्फैटिक बारीक ट्रांसपेरेंट नसें होती हैं टिश्यू फ्लूइड के लिए, तो हो सकता है कि लिम्फोमा हो या लिम्फैटिक्स से रिलेटेड हो। हो सकता है कि ग्लैंड से रिलेटेड हो, जब हम इसे कार्सिनोमा कहते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट से निकलने वाले जो कैंसर होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू से निकल रहा है तो ब्रेस्ट सार्कोमा हो सकता है, फाइब्रोसाइट्स अगर है वहाँ पर तो। और ये हमें पता कैसे चलता है, हम एक छोटा सा वहाँ से पीस निकालते हैं स्किन का और उसे टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें पता चलता है किस प्रकार की सेल्स हैं और इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार का वो कैंसर है। कुछ कैंसर ख़तरनाक होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। कुछ माइक्रो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा होते हैं जो कि अंदर अंदर तक घुस जाते हैं। कुछ जो है वो बाहर निकल के आ जाते हैं अल्सर के रूप में, घाव के रूप में। और ये किस तरह का उसकी प्रोग्नोसिस होगी, यानी फ्यूचर में किस तरह से वो कैंसर चेंज होगा, ये हमें पता चलता है उसमें किस प्रकार के सेल टाइप्स हैं उससे। बायोप्सी के अलावा एक और टेस्ट होता है, उसे FNSC बोलते हैं, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एक निडल डालते हैं छोटी सी और अंदर जो गांठ है उसमें से लिक्विड निकाल करके टेस्ट करते हैं कि वो जो गांठ है उसके अंदर क्या सेल्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। और हमें पता चल जाता है कि वो कोई ख़तरनाक टाइप का है या फिर नॉर्मल टाइप का। तो ब्रेस्ट नोड्यूल अगर आपको है तो कभी भी देर मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए। ये सारे जो मैं बता रहा था ये मेलिग्नेंट थे, यानी ख़तरनाक होते हैं, उन्हें ठीक करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कार्सिनोमा हो, सार्कोमा हो वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो उतनी ख़तरनाक नहीं होती, बहुत दिनों तक रहती हैं, और उनमें से एक है फाइब्रोएडिनोमा। और हम FNSC से डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको फाइब्रोएडिनोमा है या ब्रेस्ट कैंसर है। फाइब्रोएडिनोमा एक ऐसी गांठ होती है सीने में जो कि कैंसर नहीं होती, वो एक नॉर्मल ट्यूमर होता है और बस परेशान करता है गांठ के रूप में। कभी कभी उसमें पेन भी होता है और कभी कभी बिल्कुल पेनलेस रहता है। इसके अलावा दूसरे और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ब्रेस्ट सिस्ट हो सकता है। सिस्ट एक प्रकार का गांठ होती है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। और फैट नेक्रोसिस हो सकती है। फैट नेक्रोसिस में किसी जगह में फैट जो है वो सूख जाता है और उसकी गांठ बन जाती है। ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि किसी जगह पे एक ऐसी गांठ बन गई जिसके अंदर पस है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कैंसर नहीं है लेकिन लगती कैंसर जैसी हैं, और ब्रेस्ट में कुछ कड़ापन या कहीं पर नोड्यूल टाइप का, या कभी कभी बहुत चावल के दाने की तरह बारीक नोड्यूल दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ फाइब्रोसिस वाला प्रोसेस चल रहा है। तो ब्रेस्ट में अगर नोड्यूल की प्रॉब्लम है तो वो मेलिग्नेंट हो सकती है, यानी कि ख़तरनाक कैंसर हो सकते हैं, और वो बेनाइन हो सकती है, यानी बहुत दिनों तक पड़े रहेंगे और उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और इन दोनों के ही सही डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक मेमोग्राफी भी होता है, जो कि एक प्रकार का एक्सरे होता है जिसमें अंदर की पिक्चर आती है, वो पता चलता है कि जो नोड्यूल है वो उसका नेचर क्या है, किस तरह का है। तो सिम्टम ये होता है कि गांठ है, साथ में पेन हो सकता है, कभी कभी पस डिस्चार्ज हो सकता है या अल्सर भी बन सकते हैं। ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं उसके। दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि गांठ है और बहुत सालों से वैसी ही पड़ी हुई है या साइज़ बढ़ रहा है। और टेस्ट जैसे मैंने बताया, बायोप्सी, FNSC या एक्सरे, इस तरह के टेस्ट होते हैं। और ट्रीटमेंट में एक तो हो गया कि हम उस चीज़ को ठीक करें जो अंदर प्रॉब्लम है। जैसे एब्सेस है तो एंटीबायोटिक्स लेना होगा, सिस्ट है तो सिस्ट को ड्रेन करना होगा, अगर कैंसर है तो उसे ऑपरेट करके हटाना होगा। साथ ही एक बहुत ही अनोखा ट्रीटमेंट और लेटेस्ट ट्रीटमेंट आजकल आया है, वो होता है एक ऐसा एंजाइम जो कि उस गांठ के फैट को भुला देता है और नोड्यूल गायब हो जाता है बिना किसी ऑपरेशन के और बिना किसी ज़्यादा ट्रबल लिए। तो अगर आपको इस तरह के ब्रेस्ट नोड्यूल वाली, ब्रेस्ट में गांठ वाली प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास आइए, अपना टेस्ट कराइए और डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस तरह से वो ठीक होगा। ये चार्ट है डिफरेंट टाइप के ब्रेस्ट नोड्यूल के बारे में, और कभी भी ब्रेस्ट में लंप हो तो इग्नोर मत कीजिए। पहला है फाइब्रोएडिनोमा, जो बहुत कॉमन है
और यंग एज ग्रुप में होता है 20 से 30 साल में। इसमें नोड्यूल होता है, पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और कोई निपल डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता। ये जो आखिरी के तीन कॉलम है ये बताएंगे कि पेन होता है कि नहीं होता अलग अलग टाइप्स में। ये बिनाइन होता है और इसमें कैंसर होने का रिस्क नहीं रहता, यानी कि फैलता नहीं है ज़्यादा तेज़ी से, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। और इसे हम लोग एक यूनिक तरीके से ठीक करते हैं, इंजेक्शन होता है जिससे घुल जाता है। दूसरी चीज़ है ब्रेस्ट सिस्ट, और ये भी बिनाइन होता है। इसमें रिस्क जो मैलिग्नेंसी का है वो नहीं के बराबर होता है, और इसमें भी पेन हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये गांठ सिस्ट टाइप की होती है। और इसमें से एस्पिरेशन यानी लिक्विड अगर हम निकाल लें तो गांठ जो है वो गायब जाती है। तो एक इंजेक्शन लगाते हैं, अंदर से लिक्विड निकाल लेते हैं, और बिना ऑपरेशन के हम ब्रेस्ट सिस्ट को गायब कर सकते हैं। ये मासेस होते हैं, एक साइड में या दोनों साइड में हो सकते हैं, और ज़्यादातर जो है वो ये अलग अलग एज ग्रुप में मिलता है, यंग एज में मिलता है। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस जो हैं ये जो है वो बिनाइन प्रॉब्लम है, और इसमें मेलिग्नेंसी यानी फैलने का और कैंसर होने का रिस्क नहीं होता है। ज़्यादातर ये टीनेजर्स में जो है वो कम पाया जाता है, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हालांकि 13 से 45 साल की होती है, तो इसका मतलब है कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। एक बार पीरियड स्टार्ट हो गए तो उस किसी भी एज ग्रुप में ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हो सकते हैं। इसमें पेन रहता है हमेशा, और गांठ रहती है, और कभी कभी डिस्चार्ज भी होता है। फिर एक गैलेक्टोसील है, ये मिल्क के सिस्ट होते हैं, और जब ग्लैंड्स मिल्क बनाना शुरू करती हैं तभी होंगे, तो जो फीमेल्स फीडिंग करा रही हैं प्रेगनेंसी के बाद उन्हीं में होता है ज़्यादातर। इसमें डिस्चार्ज भी होता है, पेन भी होता है, और सीने में गांठ भी होती है। एक तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ सकती है, ज़्यादा भी सकती है, और फीडिंग ख़त्म होने के बाद ये गायब भी हो जाते हैं। सिस्ट ऑफ मॉन्टगोमरी बहुत रेयर है, ये बिनाइन वेराइटी होती है, और इसमें मेलेग्नेंसी के चांसेस नहीं होते, यानी कि ये खतरनाक होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन ये बहुत कम एज ग्रुप में होता है, 10 से 20 साल की एज में हो जाता है। तो अगर आपकी एज कम है और गांठ है तो हो सकता है कि ये वाला सिस्ट हो। इसमें पेन हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन नोड्यूल हमेशा रहता है। फिर हेमाटोमा एक तरह के टिश्यू डिफेक्ट होते हैं, और वैसे तो ये बिनाइन होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ किसी दूसरे प्रकार का कैंसर साथ में हो सकता है। इनमें सिर्फ गांठ होती है, कभी कभी गांठ भी नहीं होती, सिर्फ साइज़ बड़ा हो जाता है और हार्डनेस रहती है, और पेन वगैरह कुछ नहीं होता, और ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कोई लक्षण ही नहीं रहता। फिर ब्रेस्ट एब्सेस है, एब्सेस का मतलब होता है कि पस इकट्ठा हो जाना, और अगर पस वहाँ पे है तो हमें एंटीबायोटिक देना होता है। अगर पस वहाँ पे है तो पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और साथ में गांठ रहती है। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं या हम पस निकाल लें अगर ड्रेनेज कर लें तो ये रिजॉल्व जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो ब्रेस्ट एब्सेस भी बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से। फिर मास्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट का इन्फ्लेमेशन, ये भी बिनाइन होता है, और इसमें भी मेलेग्नेंसी के कोई रिस्क नहीं होते हैं, और इसमें भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसमें पेन रहता है हमेशा, कभी कभी नोड्यूल रहता है, कभी कभी पूरे एरिया में हार्डनेस और हीटिंग टाइप का सेंसेशन होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, अब हम कैंसर्स की बात कर रहे हैं, ये सबसे कॉमन कैंसर है, और ज़्यादातर लोगों में यही वाली वैरायटी होती है, और इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में पहले कभी किसी को हो चुका है तो आपके रिस्क ज़्यादा हैं। इसमें पेन नहीं होता, नोड्यूल होता है, बहुत हार्ड नोड्यूल। और एक दूसरी वैरायटी होती है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू बोलते हैं, और ये 25% लगभग बाकी के जो कैंसर होते हैं वो इस वैरायटी के होते हैं। इसमें भी फैमिली हिस्ट्री होती है। नली पैरिटी यानी कि अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो रिस्क ज़्यादा होती है। ओबेसिटी यानी अगर वेट ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। माइक्रो इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर जो है ये भी मेलिग्नेंट होता है, हालांकि ये बहुत रेयर है, और इसमें भी फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, यानी कि सभी प्रकार के अक्सर ज़्यादातर प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। ब्रेस्ट सार्कोमा बहुत रेयर है, 1% से भी कम, और ये जो आसपास के टिश्यू होते हैं ग्लैंड के उसमें से निकल करके आता है, इसमें भी पेन नहीं होता। फिलाइडस ट्यूमर और भी रेयर है, और ये ज़्यादातर जो है वो प्री मेनोपॉजल वुमेन में होता है। लिम्फोमा जो वहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू है उसमें होता है, ये भी मेलिग्नेंट होता है, और हालांकि ये बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, और इसमें नोड्यूल रहेगा लेकिन कोई पेन नहीं होगा और कोई डिस्चार्ज भी नहीं होगा। ऐसे ही डक्ट एक्टेजिया जो ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं उनमें जो सेल्स होती हैं अबनॉर्मल सेल्स, उनकी वजह से होता है ट्यूमर बन जाता है, हालांकि ये बिनाइन होता है, यानी इधर उधर ज़्यादा फैलता नहीं है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा भी बिनाइन होता है, और ये भी इधर उधर ज़्यादा नहीं फैलता, ये डक्ट के अंदर एक छोटे गांठ के रूप में शुरुआत होती है। लाइपोमा, वहाँ पे जो फैट है उसमें सिस्ट बन सकता है, इसे हम फैट एंजाइम के इंजेक्शन से घुला सकते हैं। स्क्लेरोजिंग जो एडिनोसिस होती है वो ग्लैंड में सूखने की प्रक्रिया को बोलते हैं, स्क्लेरोसिस हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइबर्स बनने लगते हैं और गांठ जैसे बन जाता है।
और इसी तरीके से स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया यानी कि जो ब्रेस्ट का बैकग्राउंड बैकग्राउंड टिश्यू है उसमें हाइपरप्लेजिया यानी कि साइज बड़ा हो जाएगा ब्रेस्ट का, पेन कुछ नहीं होगा लेकिन ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अबनॉर्मल है। और मोंडल्स डिजीज़ बहुत रेयर होती है, बिनाइन होती है। फिर कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि कैंसर नहीं होते, पूरी तरह बिनाइन होते हैं और दूसरी वजहों से होते हैं, जैसे डायबिटिक मैस्टोपैथी है, डायबिटीज़ में साइज़ का बड़ा हो जाना, टिश्यू में गांठ हार्डनेस हो जाना। फिर गायनेकोमेस्टिया है जो कि पुरुषों में होता है, बॉयज़ में होता है, एक तरफ का ब्रेस्ट बड़ा हो सकता है, दोनों तरफ का बड़ा हो सकता है, पेन हो सकता है उसमें और गांठ टाइप की फीलिंग होती है। सार्कोइडोसिस बहुत रेयर डिजीज़ है, दोनों सेक्स में मेल फीमेल दोनों में होता है और ये भी बिनाइन है। बिनाइन का मतलब कि वो फैलेगा नहीं और आपके जान को कोई खतरा नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा लेकिन उसे फिर भी ठीक करना ज़रूरी है। फैट नेक्रोसिस चोट लगने की वजह से होता है, कुछ इंजरी हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यू में तो उसकी वजह से फैट नेक्रोसिस होती है।